हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय। एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलमित सॉल्यूशन पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी के बारे में। यहां पर एसएससी ने निकाली है सीएसएसएल वैकेंसी और ये वैकेंसी 12वीं पास है और इस वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पूरा वीडियो लास्ट तक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने निकाली है सीएचएसएल वैकेंसी यानी कि कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम। और इसकी अगर बात करते हैं सबसे पहले फीस के बारे में, तो यहाँ पर जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस निर्धारित की गई है और एसटी और एससी कैंडिडेट के लिए 0 है और पीएच कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर 0 फीस निर्धारित की गई है, यानी कि उन्हें किसी प्रकार का टोकन चार्ज नहीं देना है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं पेमेंट मोड के बारे में, तो यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपनी फीस जमा करा सकते हैं या फिर आप ई चालान निकाल कर उसका प्रिंटआउट लेकर उसे बैंक में जमा करा कर भी अपनी फीस जमा करा सकते हैं। अगर हम बात करें अब इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं 5 मार्च 2019 से। हालांकि मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ, इसकी लास्ट डेट अगर हम बात करें तो लास्ट डेट है 5 अप्रैल 2019, यानी कि मार्च से अप्रैल यानी कि एक महीने ये वैकेंसी चलने वाली है। अगर हम बात करते हैं ऑफलाइन तरीके से अगर आप पेमेंट जमा कराते हैं तो उसकी लास्ट डेट है 9 अप्रैल 2019, और अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन पेमेंट के बारे में तो यहाँ पर 7 अप्रैल 2019 इसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन एग्ज़ाम की डेट भी यहाँ पर सुनिश्चित कर दी गई है, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम पेपर फर्स्ट आपका लगने वाला है 1 जुलाई से 26 जुलाई 2019 के बीच में, यानी कि 1 जुलाई से लेकर 26 जुलाई के बीच में कभी भी लग सकता है। और ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट पेपर सेकेंड की यहाँ पर डेट डिक्लेयर कर दी गई है, यहाँ पर 29 सितंबर इसकी डेट डिक्लेयर की गई है, लेकिन यहाँ पर एडमिट कार्ड की कोई भी सूचना नहीं है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम डेट से 7 या 8 डेज पहले कॉल लेटर आ जाते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1/8/2019 के हिसाब से एज लिमिट ली गई है, यानी कि आपकी एज की गणना 1 अगस्त 2019 के हिसाब से की जाएगी। यहाँ पर मिनिमम एज 18 ईयर रखी गई है और जबकि मैक्सिमम एज 27 ईयर रखी गई है। अगर हम एज की छूट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नॉर्मली एसटी और एससी को 5 साल की छूट दे है, बाकी ओबीसी को 3 साल की है। अगर आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप कृपया करके नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ें। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं एबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पर कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो या फिर यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो 12वीं पास होना चाहिए। यहाँ पर वैकेंसी के बारे में किसी प्रकार की सूचना नहीं है कि कितनी वैकेंसी है, कितने पद है, यहाँ पर पोस्ट की बिल्कुल भी सूचना नहीं दी गई है। अगर हम बात करें कि वैकेंसी कितने प्रकार है या आप कह सकते हो कि वैकेंसी कितने टाइप की है, तो यहाँ पर सिंपली मैं आपको बता दूँ कि वैकेंसी 3 टाइप की है। पहली है LDC लोअर डिविजन क्लर्क, सेकेंड है पोस्टल असिस्टेंट सोर्टिंग असिस्टेंट, थर्ड है यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर DEOS। तो ये वैकेंसी मैंने आपको पूर्ण तरीके से बता दी है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन बी रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि जो भी बंदा इसको भरना चाहता है तो पहले इसके टर्म्स एंड कंडीशन नोटिफिकेशन जरूर पढ़े। अगर आपको इसके अलावा किसी प्रकार का संदेह है, शंका है, गिला है, शिकवा है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और मैं आपकी समस्या का समाधान 100% करूंगा, चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड हो, चाहे वो डेट से, या फिर किसी प्रकार का आपका कोई डाउट हो, आप मुझे निसंकोच कमेंट बॉक्स में भेजें, मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट लाते रहते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला के गलत लेके मैं पता निकला।